शाजापुर कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ जन्मदायिनी चिलर नदी की साफ सफाई अभियान के तहत महपुरा चिलर नदी पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नदी की साफ सफाई अभियान को देखा। शाजापुर में जन सहयोग अभियान के तहत चिलर नदी में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर में सामाजिक और गणमान्य नागरिक के द्वारा चिलर नदी की साफ सफाई अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज नदी की साफ सफाई का जायजा लेने दिनेश जैन पहुंचे। वहीं उन्होंने बताया कि नदी की साफ सफाई के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नदी में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगाई जाएगी। वहीं शहर में जो मुख्य नाले नाली है जो चिल्लर नदी में प्रवाहित होती है, उनको भी सीवरेज लाइन बनाने के बाद अक्टूबर तक बंद कर दिया जाएगा, जिसमें चिल्लर नदी साफ स्वच्छ रहेगी। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। नदी का जो अभियान है, एक ऐतिहासिक काम हुआ है सर, इतना काम अभी तक नहीं हुआ। आगे और क्या कार्य योजना है सर, किस तरीके से इसको स्वच्छ रखा जाए? ये भी हम लोगों ने 1 जून से सामाजिक और जितने भी हमारे यहाँ के समाज सेवी संगठन है, जन अभियान परिषद के नेतृत्व में हम लोगों ने ये कार्यक्रम चलाया था और अभी इसको लगातार ये 2 हफ्ते से चल रहा है। नगर पालिका से भी हम लोगों ने कुछ संसाधन लगाए हैं और कोशिश की है कि इसकी एक बार अच्छे से साफ सफाई कर दी जाए चिलर नदी की। तो अभी दिख तो रहा है साफ सफाई हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी इसको हम लोग जब तक अभी बारिश नहीं आ रही है तब तक और इसमें जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। और आपके माध्यम से मेरा लोगों से भी ये कहना है कि इसमें बहुत सारी पॉलीथीन और कचरा लोग डाल रहे हैं, तो अगर ये कचरा और पॉलीथीन वगैरह नहीं डालेंगे तो ही इसको हम लोग स्वच्छ रख पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि बार बार इसको साफ करते हैं, बार बार लोग इसमें कचरा डालते हैं। तो व्यवस्था कर रहे हैं कि इसके किनारों पर हम लोग कुछ डस्टबिन वगैरह बड़े बड़े रखेंगे, कुछ ड्यूटी लगाएंगे या नगर पालिका के लोगों की, वो देखते रहेंगे कि कोई कचरा तो नहीं फेंक रहा है। सर, नदी के अंदर जिस तरह के शहर के नाले मिले हैं उससे क्या दूर कैसे किया जाएगा? ये सीवरेज का काम ऑलरेडी शहर में चल रहा है और जल्दी मतलब ये अक्टूबर तक इनका वो है, आगे 1 साल तक इनका अभी बचा हुआ है, तो उसमें ये सारे नाले जो हैं कवर हो जाएंगे, उसके बाद इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को काफ़ी काम इसमें करने की आवश्यकता है, इसका डिटेल्ड प्लान भी बना रहे हैं कि ताकि इसके किनारे किनारे भी कुछ सौंदर्यकरण हो जाए और लोगों को एक अनुभव हो कि भाई ये नदी है तो उसके आसपास लोग घूम फिर सकें, कुछ देख सकें। सर, जिस प्रकार से नदी की सफाई की जा रही है पर नाले मिले हैं, वो नाले का पानी रिटर्न उसमें आ रहा है, तो अभी उसको रोकने के लिए कैसे क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, अभी तो अब जब तक सीवरेज का ये पूरा काम नहीं हो जाता है तब तक वो टेम्परेरी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, जालियाँ वगैरह लगा के लोगों को समझा के कुछ फाइन वाइन करेंगे कि लोग उसमें कचरा नहीं डालें एटलीस्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।